अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बुटबाजी विद मलिक। आज मैं अपनी एक देसी मुर्गी है मेरे पास, वैसे मेरे पास दो मुर्गियां और एक मुर्गा है, थोड़ा सा असील है, प्योर नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो हमने तीन मुर्गियां पट्टियां लाए थे और एक मुर्गा था। एक जो पट्टी थी वो छलांग लगाई उसने, छत से नीचे गिर गई तो वो ज़ाया हो गई, किसी ने उठा ली। तो उसके बाद दो मुर्गियाँ थी मेरे पास और एक मुर्गा था, तो उनके मैंने अंडे जमा किए हैं, प्योर देसी बिल्कुल, कोई इसमें गोल्डन या ये वाला चक्कर नहीं है। तो आज मेरी जो छोटी मुर्गी है वो कुड़क पे है, तो मैंने सोचा कि उसको अंडों पे बिठाते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, फरवरी का महीना है। तो ये मैं एक मैंने ये कुनाली ली है बड़ी, इसके अंदर मैं मुर्गी को ट्राई करता हूँ उठाने की, अगर तो बैठ गई, क्योंकि अभी उसकी भी पहली ये टर्न है कुड़क की। बस इतनी सी तुड़ी डाल लेंगे और अंडे मेरे पास हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, अंडे तकरीबन कोई बीस दिए थे दोनों मुर्गियों ने मिलके, तो उसमें से हमने कुछ खा भी लिए हैं, तो ये 13 अंडे हैं। तो मैं मुर्गी को लेके आता हूँ, तो उसके ऊपर ट्राई करते हैं, छोड़ते हैं अगर बैठती है कि नहीं। अच्छा, तो व्यूअर्स मैंने थोड़ी सी जगह चेंज की है, ये एक बॉक्स पड़ा है उसके नीचे मैंने रखा है इसको, कि ताकि ये बैठ जाए। मेरा इरादा है कि इसको छोड़ के चले जाते हैं थोड़ी देर तक, फिर दोबारा चेक करेंगे, मेरे ख्याल में ये खुद ही बैठ जाएगी जब तन्हाई होगी। ये तो व्यूवर्स तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं हमने मुर्गी को बिठा के, इनके ऊपर एक बॉक्स दे दिया था ताकि मुर्गी जो है वो उठे नहीं। अभी जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, मुर्गी बैठी है या नहीं, और आपको भी दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स मुर्गी को मैंने बिठा लिया है, आप देख सकते हैं कि पिंजरे में बैठी है, ये इसकी पहली टर्न है, ये जुहेब ने पाली थी, चूज़ा पाला था छोटा सा, तो इसका इसने इधर ही आके अंडे दिए हैं 4-5, तो 4-5 अंडों के बाद ये कुड़क हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा बिठाने में मुश्किल आ रही थी, तो इसमें कुराली में ये नहीं बैठ रही थी, तो ये पिंजरे में क्योंकि ये इसको आदत थी बैठने की, तो जुहेब ने आज ट्राई किया है पिंजरे में, तो ये बैठ गई है। तो ये आज इसका पहला दिन है, इसको ऊपर से मैं ढक दूँगा किसी चादर वगैरह से, और इंशाल्लाह 20-21 दिन के बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो चूज़े निकल आएंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट दूंगा। जी तो व्यूअर्स, काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने और जुहेब ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुर्गी जो है उसका फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए वो नहीं बैठ रही अंडों पे, तो फिर मुझे मजबूरन ये जो होममेड इंक्यूबेटर, मैं पहले भी इस तरह के इंक्यूबेटर में बहुत दफ़ा बच्चे निकलवा चुका हूँ, तो फिर मैंने मजबूरन इसमें रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो डिजिटल थर्मामीटर भी है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, और पानी भी रखा है, बल्ब भी लगा है। इसको बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं मैंने अंडों को रखा हुआ है, तो इसका क्या तरीकाकार होता है वो किसी डिटेल्ड वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अंडे मैंने इसमें रख दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि इसमें से शायद हाफ से भी कम ही बच्चे निकलेंगे, क्योंकि अंडे जो हैं वो काफ़ी अर्सा पड़े रहे हैं मुर्गी के इंतज़ार में, मुर्गी के कुड़क के इंतज़ार में। मैंने तकरीबन 2 हफ्ते से भी ज़्यादा रखे थे अंडे, और इसके अलावा आपको पता है कि मुर्गी कभी बैठ जाती थी कभी उठ जाती थी, तो उस वजह से भी अंडे जो हैं वो मतलब मुझे नहीं लगता कि सारे बच्चे निकलेंगे। चलें, जितने भी निकलेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।